और ये जो झरने हैं बहुत खूबसूरत हैं, पहाड़ों के झरने। और सायरा इसी बात पे गाना सुनाएगी, वो वाला कल रात जी दीरिया सल कराई थी तुम्हें। तो आज हमने प्लान किया तोस जाने का, यहीं से ही खीर गंगा ट्रैक पे जाने का रास्ता निकलता है। इस अनजान सफर पे जाना हमारी खुशकिस्मती ही समझो, क्योंकि हिमाचल में तबाही आने से कुछ दिन पहले ही हम वहां से वापस आ गए थे। लेकिन कुदरत के सामने कौन कहां ही टिका है, हर तरह के रंग होते हैं कुदरत में। कसौल, चलाल, मणिकरण, ये सब घूमने के बाद सोचा अब थोड़ा और दूर जाया जाए और कुदरत के और रंगों को भी देखा जाए। तो आज हमने बाइक ली रेंट पे, जिसका प्राइस आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। और पेट्रोल पंप यहाँ से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ पर 100 या 110 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल आपको मिल जाएगा। तो आज हमने प्लान किया तोस जाने का, यहीं से ही खीर गंगा ट्रैक पे जाने का रास्ता निकलता है। अगर आप कुछ ज्यादा दिनों के लिए कसौल आए हो तो खीर गंगा जरूर जाना। खैर, बाइक का सफर हुआ शुरू। कुछ एक घंटे का सफर था बाइक पे कसौल से तोस का, और हम मणिकरण पार करके चल दिए इन खूबसूरत सड़कों पर। रास्ते में खाने की चिंता मत करना, बहुत कैफेज रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर पैसे ना भी हुए तो मणिकरण साहिब गुरुद्वारा चले जाना, बिना किसी भेदभाव के आपको लंगर छकाया जाएगा। नानक लिखिया हम निकले रास्ते पर और मिला इस छोटे से वॉटरफॉल के किनारे एक कैफे, जहां हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया ही था। अबे दूसरों से पहले खुद की तो इज्जत करो, इतना झिला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कितना प्यारा झरना और कितना अच्छा साउंड है पानी का, और कितना मजा आ रहा है इस ठंडी हवा में पहाड़ों के बीच में इस वॉटरफॉल के साथ खाना खाने का। तो यहाँ पे जरूर रुकिएगा, मन्नत है तो जन्नत है। तो ये देखिए एक मोड़ है, मोड़ के साथ ही आपको तोश के रास्ते में वाटरफॉल मिलेगा, और यहाँ पे बैठ के आप खाना जरूर ट्राई कीजिएगा। कि हमारी एक बाइक की चाबी गिर गई पानी में, एकदम से माहौल बदल गया, टेंशन बढ़ने लगी, वापस जाएं या आगे, ये ख्याल आने शुरू हो गए। लेकिन जाए भी तो कैसे जाएं? फिर एक सर्च ऑपरेशन चला चाबी ढूंढने का, और खुशकिस्मती हमारी कि चाबी अभी पानी में ही थी, टेबल के साथ अटकी हुई थी। एक छोटी सी सीख जो हमने इस सफ़र से सीखी, कहीं भी हो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना। खैर, हम बड़े फिर आगे इस सब को भूल के और पहुंच गए तोस। काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहां पर, अब पता नहीं वहां पर कैसा माहौल होगा। तो और ये जो झरने हैं बहुत खूबसूरत हैं, पहाड़ों के झरने। और सायरा इसी बात पे गाना सुनाएगी, वो वाला कल रात जी दीरिया सल कराई थी तुम्हें। बस बाकी तो ठीक था, इतनी रिहर्सल थी बस, बहुत है। यहाँ पे मुझे बताओ एक बात, समझाओ, ये जो चील हैं ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? अच्छा, फन फैक्ट ये है, जब हम खाना खा रहे थे ना उस वाटरफॉल पे, इसकी बाइक की चाबी गिर गई थी पानी में, तो फिर हमने ढूंढ ली। वाह वाह वाह। हमने किया फिर अपना ट्रैक शुरू और बढ़ गए वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल तो नीचे भी था, लेकिन हमको चाहिए थी आइसोलेशन। अभी वहाँ जाना है हमको, वो वाटरफॉल अच्छा बना है। पैर पहला मार के मिट्टी चेक करके, वरुण को गलत पत्थर है तेरे थले, कोई टेंशन वाले। हाँ सारा साहब, इतने पैर फंस जाने, टेंशन वाले, आ जा आ जा। Oh, 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 oh
कृतिका तू थल्ले रख पैर बड़ा कदम रख थल्ले उत्थे रख नीचे। तो इसी आइसोलेशन को पाने के लिए लंबा चौड़ा ट्रैक करके हम पहुंच गए इस माहौल में। फाइनली वेरी वेरी मजेदार ट्रैक बट वॉज डिफिकल्ट यार। मतलब एक्चुअली बारिशें भी हो रही है उसकी वजह से मिट्टी गीली हुई थी। ठंडा ठंडा पानी सर में पड़ते ही दिमाग खुल गया। ये पहाड़ ये मंजर और भी खूबसूरत लगने लगे। पता नहीं क्या हो जाता है कुदरत को ऐसे देखकर। तुम नहीं रहते, खुद भी इस बड़ी कायनात का हिस्सा बन जाते हो। खैर जरूर जाना आप भी ऐसी जगहों पर। अब ये माहौल शब्दों के पार है। तो ये रास्ता आपने देख लिया कितना मुश्किल ट्रैक है ये। तो अगर जब भी आपने कसौल आयो और तो उस ट्रैक पे आयो तो दो रास्ते हैं, एक इस तरफ से झरने के लेफ्ट की तरफ से जहाँ पे वो सेंसी बैठे हुए हैं, आपने उनकी तरफ नहीं जाना। नहा कर वापसी का सफर किया शुरू। तो दोस्तों आज इस ट्रैक को यहीं खत्म करते हैं और अभी बाइक लेके जा रहे हैं हम नीचे कसौल की तरफ। और ये देखो कितना अच्छा पुल है जिस पर मैं चल रहा हूँ और जो वाटरफॉल है काफ़ी अच्छा था। मेरे पीछे वाटरफॉल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सुंदर पहाड़ है, बहुत अच्छा व्यू है और मज़ेदार था आज का दिन। बहुत ठंडा पानी था। तो आज के इस ट्रैक को हम यहीं ख़त्म करने वाले हैं। बाइक लेके अब जाएंगे हम सीधा नीचे कसौल। बाइक की स्टार्ट और बहती नदी के साथ चलते चलते हम पहुंच गए मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। लंगर छका और फिर आ गए कसौल। आज हमारा यहां पर आखिरी दिन था तो कुछ अपने और अपनों के लिए यहां से शॉपिंग की और डिनर करके फिर चल दिए अपने घर की तरफ। बहुत से सफ़र आपकी ज़िंदगी में यादें जोड़ देते हैं, तो चल पड़ना आप भी इन्हीं यादों को इकट्ठा करने के लिए ऐसे ही किसी सफ़र पर। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों परिवार के साथ ज़रूर शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना मत जाना।